हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ फूड। आई एम प्रियंका। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन, अजवाइन, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे, जो कि ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। बैटर बन गया है, अब इसे साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक स्टफिंग बना लेते हैं। जिसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब इसमें साबुत धनिया, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डाल के धीमी आंच पर सारे मसालों को 1-2 मिनट पका लेंगे। अब इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। मटर को भी मसाले में थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब उबले हुए आलू डाल देंगे और उन्हें मसाले के साथ मिक्स करके मैश कर देंगे। इन्हें अच्छे से मैश करना है ताकि ब्रेड पे स्प्रेड करने में आसानी रहे। अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और हमारी स्टफिंग रेडी है। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उस पर स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग को स्प्रेड करने से पहले थोड़ा ठंडा कर लेना, वरना ब्रेड स्टीम से सॉगी हो जाएगा। इसे दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर लेंगे और इन्हें डायगनली कट कर लेंगे, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। ब्राउन या वाइट कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ऑल टेस्ट द सेम। इसको बनाए हुए बेसन के बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे और हॉट ऑयल में बहुत ही केयरफुली ड्रॉप कर देंगे। पलट पलट के 2-3 बार हर साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। ब्रेड पकौड़ों को जैसे चाहें वैसे सर्व करें, विद ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप, एंड एंजॉय। हैप्पी स्नैकिंग। स्क्रीनशॉट दिस फॉर ब्रेड पकौड़ा इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।